Hey guys, तो LG एक के बाद एक अपने नए स्मार्टफोन रिलीज कर रहा है। सबसे पहले उसने वीडियो डाली LG K51S के बारे में, फिर उसने डाली LG K41S की, और सबसे लास्ट में अब डाली है उसने LG K61S की। तो चलिए गाइस, आज इसी फोन के बारे में बात करते हैं, साथ ही हम जानेंगे इसमें आपको क्या क्या नए अपग्रेडेड फीचर मिलते हैं एज कम्पेयर टू LG K51 एंड K41S। तो मेरा नाम है प्रयास और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बियॉन्ड स्क्रीन। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इस फोन की डिजाइन के बारे में। गाइस, इसकी पूरी सीरीज का डिजाइन बिल्कुल सेम है और बाकी स्मार्टफोन के जैसे आपको भी इसमें ग्लास फ्रंट एंड ग्लास बैक मिलने वाला है। साथ इसका वेट होगा 191 ग्राम्स का और थिकनेस आपको मिलने वाली है 8.4 mm की। अब बात आती है इस फोन की डिस्प्ले की, तो इस फोन में आपको मिलने वाली है 6.54 इंचेस की IPS LED डिस्प्ले और इस डिस्प्ले का रिजोल्यूशन होगा 1080x2340 पिक्सल्स का। और गैस, यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जिसका छोटा वेरियंट है यानी कि LG K51S है, उसकी जो डिस्प्ले का साइज है वो इस फोन से बड़ा है। हालांकि स्क्रीन रिजोल्यूशन आपको LG K61S में बड़ा मिलने वाला है, साथ ही इस स्क्रीन का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होगा 82.5% का। साथ ही आपको पिक्सल पर इंच की डेंसिटी मिल जाती है 394 PPI की। साथ ही आपको इसमें मिल जाता है स्क्रैच रेजिस्टेंट ग्लास। गाइस, अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस यानी कि इसके CPU के बारे में। तो इस फोन में आपको मिलने वाला है MediaTek Helio P35 वाला प्रोसेसर, जो कि आपको इसके छोटे वेरिएंट यानी कि LG K51S में भी मिला है। तो गाइस, एक कॉमन सी बात होती है, अगर आप किसी फोन के छोटे मॉडल से बड़े में शिफ्ट करते हो तो आपको उसमें और अच्छे फीचर मिलने चाहिए, बट इसमें प्रोसेसर बिल्कुल सेम होगा बल्कि स्क्रीन साइज भी उससे कम हो जाएगा। तो ये इस फोन का काफी नेगेटिव पॉइंट है। तो रही बात इसके GPU की, तो इस फोन में आपको GPU मिल जाता है PowerVR G8320 वाला। तो अब बात करते हैं इसकी मेमोरी की, तो इस फोन में आपको मिलने वाली है 4GB रैम और स्टोरेज वेरिएंट होगी इसके, एक होगा 128GB वाला और इसका जो छोटा वेरिएंट होगा वो होगा 64GB वाला। तो रैम आपको LG K51S से इसमें बड़ी मिलने वाली है। तो बात आती है इसकी कैमराज की, तो इस फोन में आपको मिलने वाला है 48MP का वाइड एंगल कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा एंड 2MP का मैक्रो कैमरा एंड 5MP का डेप्थ सेंसिंग कैमरा। और ये कैमरा रिकॉर्ड कर सकता है 1080p की वीडियो एट 30 FPS। साथ ही आपको LED फ्लैश, HDR एंड पैनोरामा जैसे फीचर भी मिल जाते हैं। और गाइस, ये कैमरा एक स्ट्रिप में होगा यानी कि एक लाइन में एक के बाद एक आपको इसमें कैमरे मिल जाएंगे। बात आती है इसके फ्रंट कैमरे की, तो फोन में आपको मिलने वाला है 60MP का फ्रंट कैमरा, जो कि रिकॉर्ड कर सकता है 1080p की वीडियो एट 30 FPS। साथ ही आपको इसमें लाउड स्पीकर एंड 3.5mm का ऑडियो जैक भी मिल जाता है। और गाइस, फिंगरप्रिंट आपको मिलने वाला है इसमें रियर माउंटेड, जैसे कि आपको पुराने फोनों में मिलता है। तो अब लास्ट में बात आती है इस फोन की बैटरी की, तो इस फोन में आपको मिलने वाली है 400mAh की बैटरी, जो कि आपको सेम मिलती है LG K51S एंड LG K41S में। तो बात करते हैं इस कलर्स की, इसके कलर्स अवेलेबल होंगे टाइटेनियम, व्हाइट एंड ब्लू। तो बस गाइस, इस वीडियो में इतना ही, यहाँ पर इसकी स्पेसिफिकेशंस खत्म हो जाती है। और अगर हम इस फोन को कंपेयर करें LG K51S से, तो इसमें कुछ ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, बस रैम का एंड कैमरा एंड स्क्रीन साइज, यही कुछ चीज इन दोनों में अलग है। तो अब जाते जाते बात करते हैं इसके प्राइस एंड रिलीज की, तो इसका इंडिया में प्राइस एक्सपेक्टेड है 14,000 Indian rupees। और गाइस, ये फोन इंडिया में इसी वीक में एक्सपेक्ट किया जा रहा है और लीक्स के अकॉर्डिंग इसकी एक्सपेक्टेड डेट है 4th June 2020। तो बस गाइस, इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई गैजेट के साथ, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।